इन ए प्लॉट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल, हाउ डज द सैचुरेशन करंट वेरीज विद एनोड पोटेंशियल फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है बट सेम इंटेंसिटी। सो आई वर्सेज वी का ग्राफ ड्रॉ करना है, करंट वर्सेज वोल्टेज। और क्या रखना है, जो इंटेंसिटी है वो कॉन्स्टेंट और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट। इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट बट फ्रीक्वेंसी इज नॉट कॉन्स्टेंट। देखो एक चीज याद रखनी है, अगर इंटेंसिटी वेरी करते हैं तो सैचुरेशन करंट जो होती है वो चेंज हो जाती है। इस ग्राफ में आई वर्सेज वी में दो चीजें हैं, एक सैचुरेशन करंट और एक स्टॉपिंग वोल्टेज। अगर इंटेंसिटी वेरी करते हैं तो सैचुरेशन करंट चेंज होती है, और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो स्टॉपिंग वोल्टेज चेंज होती है। इंटेंसिटी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखने के लिए देखो इंटेंसिटी आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या चीज चेंज होगी, स्मॉल आई, सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट स्मॉल आई, आई सेट लिख देंगे, सेट फॉर सैचुरेशन। और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी न्यू, सो ये किसको चेंज करेगी, स्टॉपिंग वोल्टेज वी नोट, ठीक है ना। आई को और न्यू वी को एक जैसा देखने में लग रहा है, ऐसे ही है। सो ऐसे ही याद रख सकते हैं। अब जो ग्राफ होता है करंट वर्सेस वोल्टेज का, वो कुछ ऐसा होता है, यहां तो सैचुरेशन करंट कॉन्स्टेंट करंट और इधर स्टॉपिंग वोल्टेज माइनस वी नोट, ये सैचुरेशन करंट आई सैचुरेशन, ठीक है, ये ग्राफ होता है। अब हमें क्या करना है, देखो इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट रखनी है तो जो सैचुरेशन करंट है वो तो बदलेगी नहीं, वो रहेगी कॉन्स्टेंट। फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट नहीं है तो जो स्टॉपिंग वोल्टेज है वो बदल जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा करते हैं तो वोल्टेज भी ज्यादा हो जाती है। सो एक लाइन यहां से ऐसे और ये, तो यहां पर वोल्टेज सपोज V नोट टू और यहां पर वोल्टेज V नोट वन, ये फ्रीक्वेंसी न्यू टू और ये फ्रीक्वेंसी न्यू वन। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वोल्टेज भी ज्यादा है, ये वोल्टेज स्टॉपिंग वोल्टेज कम है और ये ज्यादा है। सो न्यू टू विल बी ग्रेटर देन न्यू वन एज V नोट टू इज ग्रेटर देन V नोट। बी पार्ट, स्टॉपिंग वोल्टेज पोटेंशियल वेरीज फॉर इंसिडेंट रेडिएशंस फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज बट सेम फ्रीक्वेंसी। अब अपोजिट करना है, इंटेंसिटी डिफरेंट लेनी है और फ्रीक्वेंसी सेम लेनी है। अब अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग वोल्टेज सेम रहेगा और सैचुरेशन करंट चेंज हो जाएगी। अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो सैचुरेशन करंट इंक्रीज हो जाते हैं, क्यों, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेंगे तो करंट ज्यादा हो जाएगी। तो वैसे ग्राफ ये सैचुरेशन करंट और ये स्टॉपिंग वोल्टेज माइनस वी नोट, ये सपोज इंटेंसिटी है आई वन, ये है सैचुरेशन करंट आई वन। अब अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो सैचुरेशन करंट भी इंक्रीज हो जाएगी, तो ग्राफ थोड़ा सा अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज क्या रहेगी सेम, तो सैचुरेशन फोटो करंट, यहां पर इंटेंसिटी आई टू, सो आई टू ग्रेटर देन आई वन देन सैचुरेशन फोटो करंट विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन इनिशियल वन, इनिशियल सैचुरेशन करंट से फाइनल सैचुरेशन करंट ज्यादा। बस ये चीज याद रखनी है तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये क्या लिखते हैं, सैचुरेशन, ओके। सो आई वन अगर स्मॉलर है तो इंटेंसिटी भी उस टाइम स्मॉलर होगी, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट इंक्रीज होती है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से स्टॉपिंग वोल्टेज इंक्रीज हो जाती है।